दोस्तों, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और साथ में घंटा बजाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई अपडेट आपसे छूट ना जाए। वेलकम बैक टू द रॉयल एस आर के चैनल। और अभी बजे हैं सुबह के 6 और पूरा चारों तरफ अंधेरा है। ये देखिए चारों तरफ अंधेरा है ऊपर। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में, पहले बाइक में पेट्रोल डलाएंगे, पेट्रोल फुल करा के उसके बाद फिर हम निकलते हैं यूपी की साइड। फिर आपको दिखाते हैं स्टेप से, चलते रहिए आगे की साइड, दिखाते हैं आपको बहुत कुछ। आज का ब्लॉग कुछ रोमांचक रहने वाला है। तो हम आ चुके हैं अब पेट्रोल पम्प, अपना बाइक फ्यूल कराएंगे पूरा। ये हमारे सामने बाइक खड़ी है, इसको हम पूरा फ्यूल कराएंगे, उसके बाद आके चलेंगे। आज हमें इस बाइक से 320 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और फिर आगे आपको दिखाते रहेंगे जो भी नज़ारा होगा। अभी हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, पेट्रोल फ्यूल कराएंगे, उसके बाद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लगभग 100 किलोमीटर चल चुके हैं, आवाज़ आपको आ रही होगी आई होप। और अभी 200 किलोमीटर और बाकी है, बाकी रूट देखिए आप इस टाइप से, ये सारे रूट हैं। अभी मैं खड़ा हूँ डिबई के आसपास खड़ा हूँ, यहाँ से 16 किलोमीटर लगभग डिबई है, उसके बाद तकरीबन 20 किलोमीटर और आगे गुन्नौर होगा इस टाइप से। ये देखिए रूट साहब, और ये हमारी स्प्लेंडर खड़ी हुई है। हम 300 किलोमीटर का सफ़र स्प्लेंडर से तय करेंगे पूरा। ये देखिए इस टाइप से, ये हाईवे है पूरे नेशनल हाईवे, यहाँ से पूरा ये सफ़र हमारा तय होगा। रखते हैं, आगे मिलते हैं फिर आपको आगे। Inside you, and the black and ice make my way in.
अब हम आ चुके हैं बदायूं। ये सामने हमारे लेफ्ट हैंड पे जो मेडिकल कॉलेज है, ये मेडिकल कॉलेज है बदायूं का। यहाँ से मेरा घर है तकरीबन 110 या 120 किलोमीटर अराउंड, अल्लाहगंज 120 किलोमीटर शायद यहाँ से। फिर आगे sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you. हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। अब हम लगभग 220 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और अब हम बदायूं पार कर चुके हैं। एक ढाबा पे रुके हैं, ये ढाबे सामने ढाबा है। थोड़ा चाय वगैरह पी लें, उसके बाद आगे चलते हैं। ये रोड वगैरह ये देखिए आप, बहुत सुंदर नज़ारा, डिफरेंट ऐसी हो चुकी हैं, मतलब बिल्कुल हेलम लगा के चेहरा बेकार हो चुका है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बाकी सफ़र बहुत रोमांचक रहा, बहुत मस्त। पीछे गाड़ियाँ लेकर रही हैं, हमारी बाइक इधर सामने खड़ी है, चलती हुई दिखाते हैं आपको। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं कोलाघाट का पुल। ये मिर्ज़ापुर से तकरीबन 5 किलोमीटर आगे पड़ता है और ये यहाँ का नज़ारा देखिए कितना सुंदर और कितना अच्छा व्यू है। बस एक ही चीज़ की कमी है यहाँ पे कि रोड बहुत ख़राब है। रोड के ऊपर का जो पुल टूट चुका है, इस वजह से बड़ी परेशानी हो रही है आने जाने में। पहले भी गया हूँ बाइक से कई बार, लेकिन ये देखिए कितना धूल उड़ रही है, कितना मतलब बहुत ही बेकार लग रहा था मैं यहाँ से। और मैं आपको यही आगाह करना चाहता हूँ कि इस रोड से आप कभी मत आना। जब ये पुल बन जाए, जब आप जाओ, कई बार जाओ, अच्छा लगेगा आपको यहाँ से आते निकलते हुए। लेकिन अभी बहुत परेशानी हो रही है, आगे देखिए कितना गड्ढा गुड्डी है, या मतलब बहुत ही परेशानी वाली है। देखिए कितना रोड ख़राब है, देखिए आप। आगे लोग खड़े हुए हैं इस टाइप से, चलते हैं आगे देखते हैं। ये देखिए नज़ारा, देखिए आप, बहुत सुंदर नज़ारा है, डिफरेंट और बहुत ही अच्छा व्यू है। लेकिन रास्ता उससे भी अच्छा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रास्ता है। बहुत मूड, तो इतनी धूल थी कि मेरा गला भी ख़राब हो रहा था। और देखिए व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे, फ़ोटो शूट के लिए एकदम बहुत अच्छी लोकेशन है। आप आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं, आप आइए, फ़ोटो शूट के लिए बहुत अच्छी लोकेशन है। बस दिक्कत अभी यही चल रही है कि पुल टूट गया है। बाकी एक और रास्ता है, आप जब मिर्ज़ापुर से आगे आएंगे, थोड़ा फिर जरीनपुर की साइड कट जा रहा है, अमृतपुर होते हुए, राजापुर होते हुए फरुखाबाद रोड जाएगा। बाकी जिसको फरुखाबाद जाना उधर से जा सकता है फरुखाबाद, और इधर से आने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोड आप देख रहे हैं कितने बढ़िया रोड हैं यहाँ के। अभी परेशानी फ़िलहाल सभी को हो रही है यहाँ से जाने वाले को। मुझे तकरीबन आधा घंटा करीब लग जाएगा यहाँ से निकलने में, ये इतने से लेके यहाँ से पुल तकरीबन 1-2 किलोमीटर का अराउंड है। बाकी रोड देखिए आप, सच में ही बहुत बेकार रोड था। देखिए आप खुद कितना, किधर से बाइक निकालो बताओ मैं। इधर देखिए आप, इधर वो उतना ऊँच नीच, आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा आ गया। You wanna hold me close, but I know what you have to, yeah.
यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये रोड है, ये रेत नीचे सारी रेत पड़ी है। देखिए मेरी बाइक देखिए कितना स्लिप कर रही है, मैं बार बार बाइक हिला रहा हूँ, मतलब आगे ले जा रहा हूँ, फिर मेरी बाइक इधर उधर भाग जा रही है क्योंकि नीचे सारी रेत है। देखिए चलने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही, चली नहीं रही बिल्कुल बाइक, सामने बिल्कुल मतलब कोई रास्ते नहीं, रेत पड़ी हुई है, जब बालू नहीं होती रेत, वो रेत पूरी पड़ी हुई है, यहाँ से बाइक निकालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए अब पूरा सब रेत ही रेत है चारों तरफ, और इतना इतना पाउडर उड़ रहा है, इतनी धूल उड़ रही है यहाँ पे। हो चुके हैं, ये सामने लेफ्ट हैंड पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और ये राइट हैंड पे अल्लागंज का थाना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।